तीन माह पूर्व गायब हुई युवती गुजरात से बरामद, कंचनपुर की प्रमुख खबर। लगभग तीन माह पूर्व कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव तोंटरी से गायब हुई विवाहित युवती बसंती पत्नी स्वर्गीय धर्मेंद्र सिंह गौड़ को कंचनपुर थाना प्रभारी हेमराज शर्मा के नेतृत्व में पुलिस पार्टी ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर खोज निकाला। मामले की जाँच कर रहे IO गजन सिंह ASI ने मोबाइल सर्विस लॉन्च के आधार पर पुलिस पार्टी के साथ जिला अहमदाबाद गुजरात के कांकरेट पार्क से गायब युवती बसंती को बरामद किया। युवती को बरामद करने के बाद उसकी इच्छा अनुसार उसकी सास एवं देवर के सुपुर्द कर दिया गया। विवाहिता युवती को बरामद करने वाली पुलिस टीम में कंचनपुर थाना प्रभारी हेमराज शर्मा के साथ गजन सिंह ASI रामनिवास कांस्टेबल एवं महिला कांस्टेबल श्रीमती ममता शामिल रहे। पौधे की पहचान नित्य करे देखभाल, जिला कलेक्टर विश्व पर्यावरण दिवस पर साइकिल रैली का आयोजन। धौलपुर की प्रमुख खबर। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर NMA साइकिल स्टोर द्वारा साइकिल रैली का आयोजन जिला प्रशासन के सहयोग से किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में पौधारोपण अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी धौलपुर अनूप सिंह, उपखंड अधिकारी बसेड़ी कुणाल सहारण, उपखंड अधिकारी सैंपऊ रेखा ने कहा कि धौलपुर शहर को क्लीन धौलपुर, ग्रीन धौलपुर और स्वस्थ धौलपुर के रूप में रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। वरिष्ठ अधिवक्ता अतुल कुमार भार्गव ने साइकिल की आवश्यकता पर जोर दिया। NMA साइकिल स्टोर के निदेशक अजय अग्रवाल ने कहा कि इस साइकिल रैली के माध्यम से बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना है। मंजरी फाउंडेशन के संरक्षक संजय शर्मा, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के संरक्षक वीर शैलेंद्र सिंह राणा, तहसीलदार धर्म सिंह ने भी संबोधन किया। जवाहर नवोदय विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य भवानी सिंह ने मंचासीन अतिथियों का पुष्प गुच्छ व माला पहनाकर सम्मान किया। NMA साइकिल स्टोर ने सभी प्रतिभागियों को टी शर्ट व प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर मंचासीन अतिथियों का मुकेश करदम, नवल कश्यप, राजकुमार पाराशर, HDFC बैंक के प्रबंधक पीयूष गुप्ता, मंजरी फाउंडेशन के सुबोध गुप्ता, चंद्रावल इंफ्रा के निदेशक राजवीर गुर्जर, संजय अग्रोहा, जिला बैडमिंटन संघ के सचिव मोहम्मद जाकिर हुसैन, अमन भार्गव एडवोकेट, समीक्षा दिनकर, अक्षय दीक्षित फुटबॉल कोच, असलम खान हल्ला बोल जन सरोकार मंच के प्रमोद शर्मा एडवोकेट व प्रमोद पचौरी द्वारा माला पहनाकर सम्मान किया गया। मंच का संचालन रंजीत दिवाकर एडवोकेट द्वारा किया गया। रैली में 90 प्रतिभागियों ने अपनी भागीदारी निभाई। रैली का प्रारंभ कलेक्ट्रेट परिसर से जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल, आयुक्त नगर परिषद धौलपुर किंगपाल सिंह राजौरिया, मंजरी फाउंडेशन के संस्थापक संजय शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में बरगद में नरेंद्र कुमार यादव द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय प्रांगण में बरगद का पौधारोपण किया। इस अवसर पर बबलू किंग खान, प्रताप सिंह, सुमित कुमार भारद्वाज, वैभव शर्मा, निकिता राणा, योगेंद्र, गुरविंदर सिंह, विनीत शर्मा, कर्तव्य उदी अग्रोहा, आर्यन शर्मा, कृष्ण अग्रवाल, शैलेंद्र राणा मुख्य रूप से उपस्थित थे। धौलपुर से एडवोकेट रंजीत दिवाकर की रिपोर्ट। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दोनारी में ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण, सैंपों की प्रमुख खबर। उपखंड की ग्राम पंचायत दोनारी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कमरा निर्माण में ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। हॉस्पिटल स्टाफ की तरफ से भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हॉस्पिटल में खुलेआम घटिया स्तर की निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। ठेकेदार की दबंगई के चलते आमजन घटिया निर्माण कार्य का कोई विरोध नहीं कर रहा। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिन पहले बनी PHC
की बिल्डिंग भी घटिया सामग्री के प्रयोग से जर्जर स्थिति में पहुंच गई है। सैपो से राकेश परमार, रजौरा खुर्द की रिपोर्ट। ये चम्मल ऐसे छत ना बनाकर करुआ ऐसे छत बना रहे हैं। पुलिस ने पेश की मानवता की मिसाल, लावारिस मंदबुद्धि को पहुंचाया अपना घर आश्रम। सरमथरा की प्रमुख खबर। विच्छेद एवं मंदबुद्धि एक शख्स को कस्बा सरमथरा में घूमते हुए पुलिस अधिकारी ने देखा तो उसे दस्तयाब कर अपना घर आश्रम बाड़ी में कराया दाखिल। आज दिनांक 5 जून 2023 को कस्बा सरमथरा में विच्छेद एवं मंदबुद्धि लावारिस अवस्था में घूमते हुए एक व्यक्ति को देखा गया तथा सूचना मिलने पर थाना सरमथरा पुलिस ने दस्तयाब किया। उक्त व्यक्ति से गहन पूछताछ में अपना नाम जंडेल पुत्र रुद्र सिंह, जाति मीणा, निवासी देवरी बिटरावर लश्कर ग्वालियर का होना बताया, जो कि विक्षिप्त अवस्था में कस्बा के बाजार में घूम रहा था। पुलिस ने दस्तयाब कर उक्त व्यक्ति को अपना घर आश्रम बाड़ी में दाखिल कराया, जिससे कि उक्त व्यक्ति को उसके परिजनों तक पहुंचाया जा सके एवं इलाज किया जा सके। सरमथरा से शिवम दीवान की रिपोर्ट। एसडीएम ने किया अभिरुचि शिविर का आकस्मिक निरीक्षण, शपथ दिलाकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने का दिया संदेश। धौलपुर की प्रमुख खबर। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उपखंड अधिकारी धौलपुर अनूप सिंह ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के तत्वाधान में चलाए जा रहे कौशल विकास अभिरुचि शिविर का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने पहुंचकर बच्चों के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया तथा वृक्षारोपण के संबंध में विस्तृत चर्चा कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया एवं वृक्षारोपण की शपथ दिलाते हुए एसडीएम अनूप सिंह ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह अमीर हो या गरीब, साइकिल का इस्तेमाल करते हुए पर्यावरण मित्र होना चाहिए। डीजल पेट्रोल से चलने वाले साधनों का इस्तेमाल कम करना चाहिए ताकि पर्यावरण को क्षति न पहुंचाई जा सके। इस अवसर पर एडीईओ एवं सतत शिक्षा अधिकारी वीरी सिंह, प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा ने ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर पर्यावरण संरक्षण के विषय में बच्चों को समझाया। सीईओ स्काउट गजेंद्र सिंह त्यागी ने अध्यक्षीय उद्बोधन दिया। कौशल विकास शिविर में तकरीबन 75 बच्चों ने भाग लिया। व्याख्याता भगवान सिंह मीना ने आभार उद्बोधन दिया। इस अवसर पर स्काउट गाइड के फूल सिंह, दुर्गावती राणा, मनोज कुमार झा, प्रवीण फौजदार, सतीश कुमार, शालिनी श्रीवास्तव सहित शिक्षकगण व विद्यार्थी उपस्थित रहे। मंच संचालन सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभारी मनोज कुमार ने किया। पर्यावरण दिवस है, स्काउट का एक प्रोग्राम भी है और बैठे हुए हैं, लाख रुपए खर्च करते हैं। अगर घर में लाइट नहीं आए, दोपहर का समय हो तो लाखों घर में बैठ सकते हैं क्या? नहीं बैठ सकते। लेकिन यहाँ हमने कोई पैसा खर्च नहीं किया, शांति से बैठे हैं, तसल्ली से बैठे हैं, घंटों बैठ सकते हैं। अभी मैडम ने, एडी साहब ने बड़े विस्तार से बताया वृक्षों की उपयोगिता के बारे में। ये वृक्ष एक्चुअल जीवन है, इससे पूरा इकोलॉजी बनता है। वो कैसे बनता है? ये वृक्ष इसमें छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, उस कीड़ों को खाने के लिए पक्षी आते हैं, छाया के लिए पक्षी आते हैं, या फल लगते हैं उस फलों खाने के लिए भी जीव जंतु आते हैं। छाया रहती है, छाया के लिए लोग जहाँ जीव जंतु पक्षी पशु पक्षी सब आते हैं। ऐसा करके यहाँ पर सिस्टम बनता है। आदर्श विद्या मंदिर बाड़ी की छात्रा खुशबू मीणा प्रथम स्थान पर। बाड़ी की प्रमुख खबर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के घोषित परिणाम दसवीं में बोर्ड परीक्षा में खुशबू मीणा पुत्र मोहन सिंह मीणा आदर्श विद्या मंदिर धौलपुर रोड बाड़ी की प्रतिभाशाली छात्रा थी। उन्होंने इस परीक्षा में 91.67% अंक प्राप्त कर संपूर्ण विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। खुशबू मीणा की इस सफलता पर संपूर्ण विद्यालय स्टाफ ने उसका माल्यार्पण एवं साफा बांधकर स्वागत किया।
पर्यावरण विकास परिषद मुख्य शाखा विश्व पर्यावरण दिवस पर किया वृक्षारोपण। बाड़ी बसेड़ी की प्रमुख खबर। भारत विकास परिषद मुख्य शाखा बाड़ी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में वृक्षारोपण कर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सभी सदस्यों द्वारा भोलेनाथ पर जलाभिषेक कर पूजा अर्चना के साथ की गई। शाखा सचिव दीपक सिंघल द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई एवं जिला समन्वयक हरिओम बंसल, शाखा के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर गोपाल गोयल, जेपी रावत एवं विपुल गर्ग द्वारा पर्यावरण के महत्व को समझाया गया। शाखा सदस्यों द्वारा बरगद, बेलपत्र, अशोक, पाखर जैसे कई पौधों का भूतेश्वर महादेव मंदिर पर रोपण कर समय समय पर देखभाल करने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम का समापन पर पर्यावरण प्रमुख मनोज शिवहरे के द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों का आभार व्यक्त कर धन्यवाद दिया गया। कार्यक्रम के दौरान शाखा कोषाध्यक्ष गोविंद गर्ग, अश्विनी गोयल, रवि सिंगल, अमित मंगल, राकेश मंगल, दिनेश मंगल, रामनिवास गोयल, हेमंत बंसल, अंकुर गर्ग, संजय अग्रवाल, संतोष मंगल, ऋषि गर्ग, प्रमोद मित्तल एवं सुमन बंसल, डॉक्टर विमलेश बंसल, इंदिरा गोयल, निर्मला राधिका मंगल, भावना शिवहरे, हेमलता गोयल, रमा निशा बंसल, भावना गर्ग, भावना डायमंड, कविता मित्तल सहित कई भारत विकास परिषद मुख्य शाखा के महिला पुरुष सदस्य उपस्थित रहे। बसेड़ी से निशांत पारासर की रिपोर्ट। लक्ष्य के पदाधिकारियों ने कक्षा 10वीं के छात्र आदित्य लोधा का किया सम्मान। धौलपुर की प्रमुख खबर। लोधी क्षत्रिय एम्प्लॉयज एसोसिएशन लक्ष्य के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश लोधा ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2023 की 10वीं बोर्ड परीक्षा में आदित्य पुत्र राम कुमार निवासी मनिया ने 10वीं में 96.83% अंक प्राप्त कर जिले में नाम रोशन किया। प्रतिभाशाली छात्र आदित्य का ढोल नगाड़ों से भव्य स्वागत किया गया। आदित्य ने माता पिता, अग्रज भाई बहनों एवं समाज के लोगों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। मनिया के सरपंच प्रतिनिधि पवन जैन ने छात्र आदित्य का उत्साहवर्धन किया। साथ ही लक्ष्य के पदाधिकारियों ने छात्र आदित्य का मनोबल बढ़ाते हुए उच्च पद पर जाने के लिए प्रेरित किया। लक्ष्य के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश लोधा ने कहा कि हम सबको समाज के होनहार और प्रतिभाओं का मनोबल बढ़ाना बहुत आवश्यक है, जिससे ऐसी प्रतिभाएं देश और समाज के लिए कार्य करती हैं। इस अवसर पर राम कुमार, उत्तम सिंह लोधा, विजेंद्र सिंह, शैलेंद्र सिंह लोधा, बीरी सिंह, लाखन सिंह, अमित कुमार, भीकम सिंह, पप्पू, रोशन लाल, शंकर सिंह, बच्चू सिंह, रामवीर आदि उपस्थित रहे। पुत्र श्री राम कुमार लोधा ने कक्षा 10वीं में 96.83% प्राप्त करके समाज के लिए बहुत गौरव की बात की है। और इसी तरह से हम आशा करती हैं कि मेहनत लगातार रूप से करता रहे तो ये उच्च ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। अब कक्षा 11वीं में क्या कर रहे हो? यहाँ पे बायोलॉजी लिए क्या बनना चाहते हो? अब इनकी आशा है कि आगे भविष्य में। विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण किया गया। टूंडला की प्रमुख खबर। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। टूंडला रेलवे क्षेत्र में रविंद्र कुमार शर्मा, एटीएम टीडीएल लोवी पावर केविन, डिप्टी सीटीएम ने टूंडला में करीब 25 तरह के वृक्ष लगाए और स्टेशन एवं रेलवे कॉलोनी में रैली निकालकर जसविंदर जी ने पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। स्टेशन प्रबंधक, मुख्य हेल्थ निरीक्षक एवं टूंडला स्टेशन की टीम उपस्थित रही।